कहीं कहीं माताएं बहना कोई भी देवियां कहती है कि अगर हमको कोई कन्या नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं, हमको भी कहीं हम भी व्रत करते हमको कन्या नहीं मिलती, ये तो कथा कर रही हूँ। लेकिन कन्या भोजन के लिए कई कई बार नहीं मिलती, और मिलती तो कोरोना काल जब चल रहा था तो कोई भेजता भी नहीं था, और हमको हम कहते भी नहीं थे कि हमारे यहाँ आप आपकी बेटी को कन्या भोजन करवाने के लिए भेजो, कहना ही नहीं था। तो उस समय काल में क्या करना, अगर आपको कोई कन्या न मिले, ब्राह्मण ना मिले, तो गौ माता को लड्डू खिला देना। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, मेरे को कन्या नहीं मिलती, जो बात कहती हूँ आपके पास, मैं आपकी ही हूँ, इसलिए जैसा है वैसा ही सत कह देती हूँ कि मेरे को कन्या नहीं मिलती, और जो मिलती है तो बस थोड़ा ही एक खीर रोटी भोजन करके जाती हूँ। हमको संतोष नहीं होता कि ऐसा ही थोड़ा भोजन करना, तो मैं क्या करती हूँ, हमारे गौशाला की जो गंगा है ना, ये गंगा के नाम पर पूरी गौ माता को उस दिन लड्डू खिला देती हूँ। मेरा ब्रह्म भोजन भी हो गया, कन्या भोजन हो गया, माता रानी को मैं दो हाथ जोड़कर कह देती हूँ कि माँ मेरी नवरात्रि का व्रत यहाँ संपन्न हो गया, मानो न मानो आपका मामला है। और याद रखना, जो कोई भी सत्कार्य होता है ना, गौ की सेवा से ही वो सत्कार्य संपन्न हो जाता है।